और उसके घर को गिरफ्तार चाहिए और बांट दीजिए सबको। अरे ऋषि, जब लेकर गए तो बच्ची चिल्लाने लगी, भैया माई दादा जो भी चिल्लाने लगी, तो सब लोग गर्मी था, हवा खा रहे हैं, तो भाई दौड़ कर गया, क्या हुआ क्या हुआ, तब उसको छोड़कर इनको हमला करने लगे, जानलेवा हमला किया इन लोगों ने, जानलेवा हमला किया, इतना इन सबको चोट आया, फिर ये भी गई विकलांग, कोई इनका घर किनारे है, तब इनके पटीदारी के लोग गए छोड़ाने लगे, उसके बाद छोड़ा करके वो फरके किए, घर में इन लोग को बंद किए पटीदारी वाले लोग, अब इतना मारे बच्ची को, वो पटीदार के ही लोग हैं क्या? नहीं, वो नहीं पटीदार, घर के बाजू का लोग हैं। अच्छा। अब उसके बाद जब पटीदारी वाले छोड़ाए, आए सब थाना पर चले गए, पता नहीं क्या किए थाना पर, क्या नहीं किए थाना वाले, ये भी लोग गए, क्या हुआ थाने पर गई तो क्या हुआ? थाने पर गई तो वो सब कह रहे हैं कि ये लंगड़ी बहुत चक्कर काटती है, लंगड़ी बहुत चक्कर काटती है, उसके बाद जेल भेज देंगे। विवाद किस बात का था, क्या विवाद क्यों हुआ था? छेड़खानी का, घर में लड़की रोटी बना रही थी, कटरैन है खुला में, कटरैन है उसी में रोटी बना रही थी, और उसके बाद जो है ये सब सड़क पर घूम रहे थे, इसे दुआरे पर सड़क है, वो घूम रहे थे, वो सब आए उसके लगे पकड़ने धरने, जो भी अब देखे नहीं, जो भी हुआ पकड़ने धरने लगे, वो चिल्लाने लगी, मतलब जी आपके घर से हमारे घर से जब बोली चाला नहीं बटे तो आप आएंगे कुछ कहेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, कहे हमारे घर में घुसेंगे, तो विवाद पहले से था तभी ना बोली चाला, तो विवाद 200 साल से है, विवाद तो 200 साल से है, जमीन का विवाद है, कहीं ऐसा नहीं ना है उसी विवाद के चलते आप लोग उन सबों को फंसाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो विवाद 200 साल की है, तो उसको पटीदारी का लगे क्या, हम उसको गए बचाने, जब हमारी बहन चिल्लाने लगी तो हम गए बचाने, तो अशोक संतोष निर्मल और उसके घर के सभी लोग जानलेवा हम पे हमला कर दिए, जो कि हमारा दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है, और थाने पे हम लोग जब एप्लीकेशन लेके गए तो हमारी थाने पे ना वहाँ थाना अध्यक्ष जो है वो हमारा एप्लीकेशन नहीं लिए, उसके बाद उन्होंने कहा तुम कल आओ बाहर आओ बाद में आओ, हम गए फिर 2-3 दिन हम लोग दौड़े, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, SSP यहाँ हम लोग दरखास्त दिए, वहाँ से कागज गया, लेकिन थाने पर से अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्याय मिले, हमारी बच्चियों के मार दे रहे हैं, जान से मार दिए हैं हमारी, इनसे पूछिए सर आज ज्ञापन देने आ रहे हैं, देखिए हमारे साथ देख रहे होंगे बहुत लोग हैं इस समय, ये सभी लोग गोरखपुर के SSP से मिलने जा रहे हैं, और इसलिए मिलने जा रहे हैं कि ये प्रेमा देवी हैं, ग्राम है इनका बुद्री दुबौली, थाना है गगहा, इनकी बेटी के साथ इनके गांव में पहले मारपीट हुआ, इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ, मारपीट हुआ, और बेटी बहुत आहत हुई, इसका एप्लीकेशन यहाँ के उच्च अधिकारियों से मिल करके इन्होंने दिया, स्थानीय थाने पर भी दिया, इनके घर के अंदर घुस करके जो दबंग लोग हैं आस पास के लोग कुछ लोग हैं इनके घर के अंदर घुस करके इनके परिवार को बहुत मारा, इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया, और इसकी शिकायत भी इन्होंने स्थानीय थाने से लेके उच्च अधिकारियों तक किया, लेकिन जो इनके जो लोग हमला करने वाले लोग हैं उन लोगों ने इतने वो लोग मजबूत हैं आर्थिक रूप से चाहे जैसे भी, वो लोग स्थानीय थाने को मैनेज कर लिए और इनकी बात नहीं कहीं सुनी गई, और उसका ये नतीजा हुआ कि जब बेटी को न्याय मिला तो न्याय नहीं मिला, तो वो बच्ची इतनी आहत हुई कि उस घटना के वजह से उस बच्ची की मौत हो गई, और मौत होने के बावजूद भी गगहा थाना के जो थानेदार हैं जो पुलिस के लोग हैं वो लोग इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो आज भी वो कह रहे हैं कि नहीं वो बच्ची दूसरे कारणों से मर गई, अब ये तय कर रही है पुलिस वहाँ की, और जबकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पहले से इनका पड़ा हुआ है, और किसी भी सूरत में ये लोग रो रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं, और स्थानीय जो थानेदार हैं इनको गाली दे करके भगा दिया, इनकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है, अब सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री के जिले में पुलिस इतनी निरंकुश है कि एक माँ एक बेटी उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, वो दड़ बदर दौड़ रही हैं, ठोकर खा रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर, और उस बच्ची की मौत हो गई, पूरे गांव के लोग आए हैं, ये न्याय मांगने आए हैं, हम लोग SSP कार्यालय पर SSP से मिलने जा रहे हैं, पास गए थे तो और बोले 8 दिन के बाद आइए,
ये सारी घटना है ये बताएंगे डिटेल।